शिवराज सिंह के सामने फफक फफक कर रोते हुए नजर आ रहा किसान। मंच पर जब किसान ने शिवराज को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उनके पैरों पर जा गिरा। ये देख शिवराज भी भावुक हो गए और उसे तुरंत दोनों हाथों से पकड़कर मंच पर ले आए। रोते किसान को देख शिवराज सिंह ने उन्हें गले लगाया। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश की है, जहां शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रदेश क्षेत्र के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की, जिन किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। शिवराज सिंह ने किसानों की बर्बाद फसलों को लेकर सहायता राशि का भी ऐलान किया है। नुकसान बड़ा है, ऐसा फ्लड मैंने भी नहीं देखा। पहले कहीं फ्लड आता था तो एक दो दिन में पानी उतर जाता था, लेकिन यहाँ तो आठ आठ नौ नौ दिन से पानी भरा हुआ है और आगे भी ये पानी कब उतरेगा इसका ठिकाना नहीं है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, किसान की आंखों में आंसू है, लेकिन मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, आदरणीय सीएम चंद्रबाबू नायडू गारू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसानों को इस संकट के पार निकालकर ले जाएंगे। आंखों में आंसू मत लाइए, हिम्मत मत तोड़िए। फसल खोई है, जिंदगी नहीं खोएंगे। हम हर संभव उपाय करेंगे जिससे किसान फिर से सरवाइव करे और फिर से उसकी जिंदगी में खुशी लौटे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी सहायता करेगी और दोनों सरकार मिलकर काम करेगी। दरअसल आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ के कारण किसानों की सभी फसलें बर्बाद हो गई हैं। आंध्र और तेलंगाना में शिवराज सिंह दो दिनों के दौरे पर हैं। या उन्होंने बर्बाद फसलों को लेकर भी किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों की पूरी मदद करेगी, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल कृषि मंत्री बनने के बाद से मामा शिवराज लगातार एक्टिव है और अब वो बाढ़ की मार झेल रहे तेलंगाना और आंध्र के दौरे पर लोगों से मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।